अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम बनाने लगे हैं मटन विद स्वीट पंपिकन। बकरे के गोश्त दे विच पावांगे कद्दू। बकरे गोश्त में कद्दू डाल के वीडियो बनाते हैं, अच्छी रेसिपी बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो बताना भी। अब हम इसे आज पंजाबी स्टाइल में बनाने हैं। कद्दू, मटन, गार्लिक, ओनियन, टमाटर, ग्रीन चिली, स्पाइसेस। लो जी, असी हुण इंज करदे आं कि प्रेशर कुकर नूं असी करिए बंद। ते ऐ मैं लग्या प्रेशर कुकर नूं बंद। ओह तो बहुत गर्म है। ते कद्दू इहदे विच पहले पाए गए ने। खुशबू देखो माशाल्लाह, लाल सुरख आ रही है, पर वीडियो नजर नहीं आ। इंडिया की भी सोहनी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये हूँ जड़ा गोश्त जड़ा बोटियाँ अगर चला गया वो फड़ा पंजा। अच्छा, इतने मैं थोड़ी एक बड़ी टेक्नीक की गल दस दें कि हड्डियाँ का कचरा जड़ा है, जो बंदा गोश्त बवाल करता उन्हें बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। ये थोड़े हड्डी का कचरा रह जाता है। तो जो हड्डी का कचरा बिच रह जाता है तो जो बंदे बच्चे रोटी खाते हैं ज बड़े खा रहे हैं उन्होंने जाड़ के बच्चे आकर फस जाता है। ठीक है, इस करके असी जो कचरा है वो बेच नहीं पाना, असी सिर्फ गोश्त चुक पाना है। इतने थोड़े सामने तो नरम हो गई है बिल्कुल ही। पाओ, हम आपको गोश्त डाल के दिखाते हैं। लो जी, ये असी होना है जोड़ा गोश्त है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लो जी, ढलिया है गोश्त, असी बेच पान लगे हैं। ये है गया कढ़ाई दे विच, ठीक हो गया। वो पानी तो बाद च सड़ जाएगा, ऐ तो कद्दू दे विच जी अपना। लो जी, हुण असी ये पिछे जिहड़े बोलू आदत है शुरू तो ही, हुण तो कोई नहीं है कसूर, कोई नहीं आदत है बचपन तो रोज पान की। चलो असी बेच ये हमें आप पा दें भुन के, ताकि हड्डियाँ नहीं बेची जानी चाहिए। इन असं पुणागे ताकि ये हड्डियाँ ना जान। सही है, ऐ लो। लो जी, तुम वेख्या थले कि कचरा आया, ये ऐ मैं रख दिता बेच कचरे एवं पैन दे। लो जी, ये अपना हूँ ये यखड़ी दे पकाने तो क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हूँ यदि थोड़ा जहा खुशक करते हैं। अपना राणा शाह इंटरनेशनल ने मुख्तलिफ डिशा मैं लाइया ने। हूँ तुम मैं दसना है कि मटन दिया डिशा थानू कि पसंद ने पंजाबी वाले बंद घर आम जोड़ा बनाया जाता है। उस तो बाद फिर मैं इंटरनेशनल डिशा भी बनावगा जो मेरे फॉरन फ्रेंड्स हैं, फॉरन मेरे काफ़ी दोस्त हैं जरा शौक न खाते हैं। इंडिया में बहुत खाते हैं, पाकिस्तान हो गया, बंगलादेश, अदर फॉरन कंट्री भी खाया जाता है। वैसे भी मटन जो है ताकतवर हूँ। उस तो अलावा बीफ डिशेज मैंने काफ़ी बनाई ने, बीफ डिशा जो ने उससे भी मैं बड़े शौक ने पसंद करता है। उसमें बाद यू बीफ बायर फार्म डिशा बनाई दी ने। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत रंगत आई है। इसको बोलते हैं एशियन करी, ये एशियन बनता है कद्दू। तुसी भी इनू ट्राई करो, खाया करो मटन शटन बेच कद्दू पा के। कद्दू के बेशुमार फायदे भी आ गए ने, कद्दू के बेशुमार फायदे हैं। उस बाद मेरे जो बेटे हैं ये भी इब्राहिम इस्माइल मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में भी आते हैं और मेरे साथ कुकिंग में भी आते होते हैं। ये माशाल्लाह जी, यह हम देखो जी कितना खूबसूरत रंग बनया। माशाल्लाह, देख के दिल खुश हो रहा है। एक साइड तो बकरे का गोश्त पिया है, तो बेच कद्दू, तो थोड़ी थोड़ी नाल ग्रेवी, क्या बात है।
खान का मज़ा आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी तो एगो शेयर करो, तो मैं कमेंट करके भी दसो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।